आपका स्वागत है जुबैर पेंटर चैनल में। तो प्लीज़ हम यहाँ पर करने आए हैं पेंट दुकान पर, ये है नया फर्नीचर। तो हम आपको दिखा देंगे, इस पर पहले हम करने वाले हैं प्राइमर, बूट प्राइमर, उसके बाद में हम करेंगे इस पर पेंट। तो हम वो भी दिखाएंगे आपको कि पेंट कैसे होगा, और सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको ये प्राइमर नई लकड़ी पे कैसे होगा। तो ये फर्नीचर नया है, तो इस पर करने वाले हैं बूट प्राइमर। चलिए चलते हैं, करते हैं बूट प्राइमर इस पर। ये रही हमारी दुकान, लिया है बर्जर का बूट प्राइमर जो कि लकड़ी पे होता है, नई लकड़ी पे। और ये से हमने खोल लिया है, इसके अंदर अभी क्या क्या मिलाने वाले हैं वो भी आपको बताएं। तो आप कंपनी देख लें, ये है, ये बर्जर का प्राइमर है, बूट प्राइमर। तो हम इसको दो जगह हिस्सों में डाल लेंगे, अभी डालने के बाद फिर इस बाल्टी में तेल मिला लेंगे हम। तो हम ये 4 लीटर प्राइमर है हमारा, तो हम पूरी बाल्टी को इन दोनों डिब्बों में कर लेंगे। ये हमने कर लिया है, फिर हम इसके अंदर डालने वाले हैं तारपीन का तेल। तो ये हमने यहाँ पर ले लिया है तारपीन का तेल अपना, 2 शीशी ली हैं अभी, अभी और भी आएंगी। तो इस बाल्टी के अंदर जो नीचे जमा हुआ रह गया है, तो इसके अंदर हम पूरा तेल डाल के हिला के बंद करके डिब्बा अच्छे से इसमें हम दोनों बाल्टियों में डाल देंगे। और हमें अगर कम बढ़ती लगता है तो फिर हम ये दूसरी शीशी भी खोल लेंगे। खोल लिए हमने, ये डाल सकते, क्योंकि प्राइमर जो है ये बूट प्राइमर ये ज़्यादा हद तक गाढ़ा निकलता है काफ़ी। तो आप इसमें तेल मिला लें काफ़ी सही करके, ज़्यादा गाढ़ा ना हो। ज़्यादा गाढ़ा अगर रहेगा तो बुरश के निशान पेंट पर आपके दिखेंगे। अगर ये मीडियम साइज़ का रहेगा, थोड़ा ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, तो आप 4 लीटर में 1.5 लीटर तेल डाल लें। आपको लगे कि गाढ़ा है तो 0.5 लीटर और तेल डाल लें, उससे आपका अच्छे से ये बन जाएगा। आधा तेल इसमें डाला और आधा हमने तेल डाला, ये हमने 1 लीटर तेल डाल दिया है 4 लीटर में। अब इसको हम अच्छे से चलाएँगे, और चलाने के बाद में अगर लगता है कि हमारा कम है तो हम इसको और डालेंगे तेल। तो हमें लगता है हमें तेल डालने की ज़रूरत है इसमें भी, क्योंकि हमारा डंडा ये बता रहा है कि ये काफ़ी टाइट घूम रहा है ये। तो अगर आप नॉलेजदार पेंटर हैं तो आपके हाथ ही पैर बता देंगे कि इसमें कितना तेल पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा, ब्रश लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पतला इसको नहीं करना है, ज़्यादा पतला आप ऐसे कर देंगे बहुत, तो फिर पेंट में फिनिशिंग आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी। तो तेल की ज़रूरत हमें 0.5 लीटर लगभग है, तो थोड़ा हम इसमें डालेंगे 1 लीटर में से, और थोड़ा हम इसमें डालने वाले हैं। ये 1.5 लीटर हमने तेल डाल दिया है, 0.5 लीटर हमने बचा लिया। तो हमारा यह प्राइमर हो गया तैयार। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको करके हम।
तो यहाँ पर हमारा प्राइमर हो गया है शुरू, जिसे कहते हैं वुड प्राइमर बर्जर का। तो कोरी लकड़ी में सबसे पहले ये वुड प्राइमर होता है, उसके बाद में फिर पेंट होता है, तो बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आती है अच्छे से। तो प्राइमर लगाएं तो ओरिजिनली लगाएं, अच्छा लगाएं, बर्जर का लगाएं, कंपनी का लगाएं। तो एक कोट कर लेंगे हम लकड़ी पे वुड प्राइमर और इस पे दो कोट मारेंगे हम पेंट, तो ये फर्नीचर हमारा हो जाएगा फाइनल। अभी हमने आपको प्राइमर की वुड की दिखा दी, अब आपको पेंट की भी दिखाने वाले हैं। तो ये देख लीजिए हमारा ये प्राइमर यहाँ से होता हुआ ऊपर से, ये सब हम करते हुए ले आए हैं सभी, और ये हमारा इधर काम चल रहा है प्राइमर का। तो अभी इधर से हम इधर को जाएंगे, तो ये कोरा है अभी और ये प्राइमर हो चुका है अभी। और इसके ये है वुड प्राइमर जो कि कोरी लकड़ी पे होता है। सबसे पहले पेंट करने से पहले ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है, और इससे आपकी लकड़ी में डीमक भी नहीं लगती है और पेंट में फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। अगर आप डायरेक्ट पेंट करेंगे लकड़ी के ऊपर तो वो सही नहीं आएगा, बहुत ही बुरा आएगा, चितकबरा, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये है वुड प्राइमर, तो इसको कर लेना चाहिए लकड़ी पर। तो लगभग हमारी ये पूरी दुकान हो चुकी है फाइनल, हम आपको वो भी अभी दिखाएंगे इसमें। ये देखिए आप दुकान लगभग पूरी हो चुकी है। ये सब हमने आपको अभी शुरू में दिखाया था, सुबह यहाँ आए थे हम, तो ये दुकान एकदम नए पटले थे इसके। तो ये अब सब प्राइमर हो चुका है इसका फाइनल। देख लीजिए अब इसके ऊपर से हम करने वाले हैं पेंट, लेकिन पेंट आज नहीं होगा, पेंट होगा कल, तब तक ये सूखेगा अच्छे से। उससे पहले पेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि पेंट में ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी अगर प्राइमर आपका वुड प्राइमर नहीं सूखा तब। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और हो गया है वुड प्राइमर प्लाई पे फाइनल, जो कि फर्नीचर पूरा हमने आपको कल दिखाया था। तो हम आपको बनाने वाले हैं दिखा के जैसे कि पेंट कैसे बनता है। तो हमने इसके लिए लिया है बर्जर का इनामिल पेंट जो कि हम अभी बनाने जा रहे हैं। सो फ्रेंड आप देख लो कैसे बनता है। तो ये है एक मेडिकल, वो हम कर रहे हैं। तो हाँ, तो ये 4 लीटर का बर्जर का पेंट है इनामिल, जो हम ये दो जगह में कर लेंगे। फिर इस बाल्टी के नीचे रह जाता है कुछ पेंट जमा हुआ और क्लियर भी, तो हम इसमें तेल डाल के और इसका ढकना बंद करके इसको हम हिला लेंगे। तेल हम इसमें डाल रहे हैं पूरा 1 लीटर। सो फ्रेंड हमने डाल ली है इस बाल्टी को अच्छे से हिला के हम, और इन दोनों बाल्टियों में भी डाल लेंगे हम। तो 4 लीटर पेंट में जो है 1 लीटर ही तेल डालें, और आपको अगर लगता है कि पेंट गाढ़ा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके और डाल लें। तो दोस्त इसमें तेल डाल दिया है फ्रेंड हमने, अब इसको अच्छे से हम डंडे से घोल लेंगे दोनों डिब्बों को, ताकि हमारा जो तेल हमने डाला है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर हमने डंडे से मिला लिया है, डब्बे से अगर लोटा पलटी करते हैं हम तो जो हो जाए बाल्टी के दोनों बीच में ये पेंट गिर गया, ऐसे गिर जाता है।
तो यहाँ तो फ़र्क थोड़ा ऐसी है, जहाँ मार्बल वगैरह होता है तो वहाँ हम डंडे से ही चलाते हैं प्यार से इसको। तो आप ये ध्यान रखें, ये इनामिल पेंट है, फर्श पे बहुत कर्रा छुटता है सूख जाने के बाद। तो यहाँ हमारा हो गया अच्छे से मिक्स, चलिए चलते हैं करते हैं पेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी हो चुकी है दुकान पेंट से फाइनल। अभी इस अड्डी पे लाल रंग का पेंट भी लगाने वाले हैं सब पे। यह है पेंट फाइनल। तो हमें इसमें डालना है रेड पट्टी, जो कि आप देख रहे हैं तो यहाँ पड़ चुकी है। इधर हम अभी डालने वाले हैं, वो भी हम डाल के अभी आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको डाल के। अब लक है आपका अपना। यहाँ पर हमारा पेंट हो गया है फ्रेंड फाइनल पूरा, प्राइमर और पेंट और ये रेड पट्टी, ये आप देख लीजिए। तो कैसे हमने क्या बनाया है माल, कैसे प्राइमर करा है, कैसे ये डाला है, सो हमने आपको सब कुछ दिखा दिया। चलिए फ्रेंड चलते हैं। अब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल को प्रेस कर लो, आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आपको। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, चैनल सब्सक्राइब।